प्रेज द लॉर्ड, आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह में। आज 5 सितंबर और आज का संदेश है अन्य भाषाओं में बोलो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पेरितों के काम उसका 4:31। अन्य भाषाओं में बोलना परमेश्वर की हर संतान के लिए एक लाभ है। जब आप अक्सर अन्य भाषाओं में बोलते हैं तब आप परमेश्वर की सामत में चलेंगे। अन्य भाषाओं में बोलना आपके अंदर पवित्र आत्मा को उत्साहित करने में सहायता करता है। ऐसे समयों पर आप महान कामों को करने के लिए निर्भीकता के साथ भरते हैं। जब चेले ऊपर के कमरे में इकट्ठा हुए थे तब वे पवित्र आत्मा के वादे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया और पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने निर्भीकता के साथ परमेश्वर का वचन सुनाया। अन्य भाषाओं में बोलना आपके लिए यही करता है या आपको आत्मा से भरता है। इसीलिए आज से अन्य भाषाओं में बोलने का एक आदत बनाओ। हालेलुया। वचन अध्ययन उसका 1 कुरिन्थियों 14:4। हालेलुया। अपने आँख बंद कर हाथों को उठाकर मेरे पीछे कह सकते हैं, जैसे ही मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ अभिषेक मुझ में उत्साहित होता है, मुझे निर्भीकता के साथ भरते हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।